बात है कि एक सल्तनत के बाजार में एक शानदार तकरीब थी। हवा में हल्की मौसीकी का रक्स था। भालों की दुनिया में खुश आमदीद। आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शहजादा अलेक्जेंडर हुजूम के दरमियान खड़ा था। उसकी निगाहें तहवारों पर घूम रही थी कि अचानक शहजादा अलेक्जेंडर की नज़र एक फल फरोश लड़की पर पड़ती है जो मेलों के दरमियान खूबसूरती से चल रही थी। शहजादे को वो लड़की कुछ खास लगी। उसने कुछ तो था जिसने शहजादे के दिल को मोह लिया। लड़की के चेहरे पर एक गर्म जोशी और मेहरबानी नजर आती है जो उसे दूसरों से मुमताज करती है। वो लड़की कौन है? इससे पहले कि शहजादा अलेक्जेंडर उस लड़की तक पहुंच सके, वो हुजूम में कई नजरों से ओझल हो जाती है। दिन इसी तरह गुजरते गए और शहजादा अलेक्जेंडर फल फरोश लड़की की याद को अपने दिमाग से नहीं झाड़ सका। शहजादा लड़की की एक झलक देखने के लिए कई बाजार छान बैठा, लेकिन उसे कोई सुराग ना मिला। बहुत तलाश करने के बाद शहजादे का एक मुशीर उसे आकर बताता है, इस लड़की का नाम माया है जो अपने बीमार बाप के साथ रहती है। शहजादा मलिका के सामने उस फल फरोश लड़की से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। मैं एक फल फरोश लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मलिका साफ इनकार कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये याद रखना, तुम्हारी शादी सिर्फ लेडी इज़ाबेला से ही होगी। दूसरी तरफ माया अपनी खासियत से बेखबर अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाबा, मैं फल बेचने जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जब माया दरवाजा खोलती है तो आगे सिपाही उसे पकड़ने के लिए खड़े थे। उनके साथ लेडी इज़ाबेला भी थी जो शहजादा अलेक्जेंडर के लिए शादी के लिए मलिका के मुंतखब उम्मीदवार थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हें लेने आए हैं। तुमने सोचा भी कैसे महल की मलिका बन गई? मलिका सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगी। अब शहजादा अलेक्जेंडर माया के गांव पहुंचता है। जब वो उसके स्टॉल पर पहुंचा, लेकिन उसे माया कहीं ना दिखी। वो उसके घर का पता पूछकर उसके घर की तरफ बढ़ा। जब शहजादा अलेक्जेंडर माया के घर पहुंचा तो उसने उसके वालिद को बहुत परेशान पाया। वो बहुत बीमार लग रहे थे। मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। शहजादा मलिका के पास पहुंचा और कहा, माँ, क्या माया को आपने कैद करवाया है? हाँ बिल्कुल, मैं उसको मलिका नहीं बनने दूंगी। माया की गैर मौजूदगी में उसके बीमार वालिद का जिम्मा शहजादा अलेक्जेंडर लेता है और उसकी देखभाल में मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ माया एक कैद खाने में बंद थी। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शहजादा अलेक्जेंडर भी उसे बादलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो, मेरे बाबा बहुत बीमार है। तुम एक मामूली फल बेचने वाली लड़की हो, अब यही तुम्हारा नसीब है। मैं फल बेचने वाली हो सकती हूँ, लेकिन खुददार हूँ। मैं किसी को अपनी तौहीन नहीं करने दूंगी। फिर इस कैद खाने में सड़ती रहो। वक्त इसी तरह गुजरता गया। शहजादा हर रोज कैद खाने के बाहर आकर खड़ा रहता, मगर मलिका के सख्त हुक्म की वजह से उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता। इस सल्तनत में आड़ू के सरसब्ज बागात थे। बेशतर लोगों का गुजर बसर इसी से होता था। कुछ यूं हुआ कि बागात सूखने लगे और रियासत में तहत साली का खौफ बढ़ने लगा। लोग बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने मलिका को तमाम परेशानी से आगाह किया। मलिका को अपनी सल्तनत डूबती हुई नजर आने लगी। गांव के लोग अक्सर माया के पास आया करते थे। माया को फलों से बहुत लगाव था। वो अक्सर फलों के पौधों के लिए मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करती। गांव के कुछ लोग माया के बाप के पास गए और कहा, हमें माया की बनाई हुई दवा की सख्त जरूरत है। मेरी बेटी तो मलिका की कैद में है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। उस बात की खबर मलिका तक पहुंची तो उसने शहजादे को बुलवाया और कहा, मैं माया को रहा कर दूंगी अगर वो रियासत को कैद साली से बचा ले। शहजादे को यकीन था कि माया जरूर इस रियासत को बचा लेगी।
शहजादा माया के पास कैद खाने पहुंचा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने तुम्हें रहा करने के लिए एक शर्त रखी है। कैसी शर्त और मेरे बाबा कैसे हैं? हमें आड़ों के बागात को हरा भरा करना होगा। हमें एक जड़ी बूटी इकट्ठी करनी होगी। इस तरह शहजादे और माया ने मिलकर तमाम जड़ी बूटी इकट्ठी की और इन तमाम लोगों को जिनके बागात थे दवा तैयार करके दी। दवा ने असर दिखाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता बागात फिर से हरे भरे होने लगे। मलका को अपने किए पर बहुत नदामत हुई। उसने माया और उसके वालिद से माफी मांगी और शहजादे और माया की शादी का ऐलान कर दिया। वो दोनों रियासत के सरसब्ज बागात में खड़े थे और उन्होंने सच्चे दिल के साथ रियासत की खिदमत करने का अज़्म किया।